बताओ भैया, कौन साइकिल में पढ़ा रहे थे तू? आप तो बता कि कौन साइकिल में पढ़ रहा था? कुछ बार दो तीन बना आराम करे, कुछ बना रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं ना आप? ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसको दो एंगल में बना सकते हैं, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल। तो थर्ड एंगल में बना रहे प्रोजेक्ट में, तो थर्ड एंगल में ये होता है फ्रंट और साइड, इसमें नीचे की ओर बनेंगे, फ्रंट इस तरह बनेगा तो साइड यहाँ और टॉप इसके ऊपर इस पोजिशन में आएगा थर्ड एंगल। ये इधर उधर चेंज हो सकते हैं थर्ड एंगल में, फ्रंट इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, पर रहेगा नीचे ही फ्रंट और साइड थर्ड एंगल में। और फर्स्ट एंगल में चीज दोनों ऊपर आएंगे और टॉप नीचे आएगा। तो अब थर्ड एंगल में आप इसका बना रहे हैं तो ये फ्रंट आपका, ये फ्रंट हिस्सा है, ये साइड यहाँ बनाएगी, ये निश्चित है जितनी फ्रंट की ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई साइड की लेनी है। तो इसकी कुल ऊंचाई बता सकते हैं कितनी है? 62 ऊंचाई है, 35 यहाँ तक है, 15 ये है, 50 और 50 के बाद 12 हो रही है, कुल 62 हाइट है, ये भी 62 हाइट का ही है। 62 यदि फ्रंट की ऊंचाई है तो निश्चित होता है सभी चित्रों में फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई बराबर होती है, चाहे फर्स्ट एंगल में खोले चाहे थर्ड एंगल में खोले। यदि आपकी एक की ऊंचाई निकलेगी तो दूसरी उसी के बराबर होगी, दोनों निश्चित है, चाहे चित्र कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, फ्रंट जितना ऊंचा है उतना ही साइड होगा, साइड उतना है उतना ही फ्रंट होगा। हो सकता है किसी भी साइड से ऊंचाई निकले, जैसे इसकी सामने से ऊंचाई यहाँ तक इसका पता नहीं लग रहा है कितनी है, जब ये दोनों तो लग गई तो इसका इधर से नहीं लग रहा, तो आप इधर से निकाल सकते हैं ऊंचाई, साइड से ऊंचाई का पता लग रहा है तो आपको उतना ही ऊंचा फ्रंट बनाना है। दोनों बराबर होते हैं, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो। अब आपको ये भी 62 ऊंचाई बनाना है, इतना ही ऊंचा बनेगा 62 ये। अब आपको इधर के बजाय यहाँ के बजाय आप ये मानो आप इस जगह खड़े होंगे आके, और यहाँ पर जैसे सुरेश खड़ा है, सुरेश की टॉर्च इस प्रकार उजाला देगी कि सामने की तरफ बॉक्स डालेगी, तो इनके कौन-कौन सी दीवारों पर बॉक्स जाएगा? जैसे सबसे पहले तो आपको इस एल आकृति दिखेगी, ये एल आकृति है, ये एल आकृति। इसके बाद इसके यदि सामने से देखा जाए तो ये डिब्बा नहीं नजर आएगा, ये सामने वाला ये वाला डिब्बा नजर आएगा, ये साइड में ही नजर आएगा ये वाला हिस्सा और ये। अब आप बिल्कुल सामने से देखो, गेट के आगे से सामने त्रिभुजाकार आकृति नजर आई, इधर से वो फ्रंट से नहीं नजर आई, फ्रंट से तो हमने ये बनाया है। अब इधर से साइड से देखेंगे तो आपको ये त्रिभुजाकार आकृति और नजर आएगी, ये त्रिभुज में आपका साइड में आया है। ऐसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं करेगा पेपर में, कौन कौन सी चीज फ्रंट में दिखेगी कौन सी साइड में, फिर बना सकते हैं तीनों का अलग अलग। अब इधर से देखने पर आप एल आकृति के ऊपर से यदि नजर डालें तो ये डिब्बा तो नजर आएगा नहीं है ना, और इसके सामने वाला डिब्बा ये खड़ा वाला नजर आएगा। अब इसके भी ऊपर से देखो, इधर से देखेंगे यदि आप इधर को घूमेंगे तो ये डिब्बा दिखने लग जाएगा, और यदि आप इधर से देखेंगे तो आपको ये वाला डिब्बा नजर आएगा, जबकि ये नहीं नजर आएंगे, टॉप की है छत है इसकी, जो छत पे से ऊपर से देखने पर नजर आए टॉप से। तो अब ये जो भी आपके ब्लॉक है उन ब्लॉकों को सभी को आप साइड में निकाल देंगे। इधर से देखें ये 30x35 का एल आकृति है, अब ये बता 30x35 की इस जगह ऐसे बनाए, ये सही बन रहा है गलत बन रहा है? पहले ये गलत है, इससे पहले ये 20 का डिब्बा आएगा, क्योंकि आप इधर से देखेंगे तो आपको 30 तो ये आएगा और 20 ये आएगा, दोनों 50 होगी दूरी, तो 50 में पहले 20 का डिब्बा नजर आएगा दीवार के पास। तो इस जगह आप पहले 15x20 का डिब्बा बनाएंगे इस प्रकार, ये 15x20 का डिब्बा है क्योंकि 15 है वहां लिखी हुई है। इसके बाद ये 35 है,
ये 230 और ये 35 और ऐसे घूम के और इस प्रकार ये हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। क्या हमने ये डिब्बा बढ़ चुका है, अब ये भी बना चुके हैं, दोबारा नहीं आना चाहिए अगर कोई भी चित्र में नंबर, कोई भी बात एक बार बन गया तो काम आपको दोबारा नहीं दिखेगा कहीं से भी। ढलान के बाद एक टेपर, जैसे आपको ये स्केल है, स्केल को यदि मैं इस पोजीशन में रखूं तो आपको ये हिस्सा सामने से नजर आएगा, परंतु यदि इसी स्केल को हल्का सा टेपर कर दिया जाए इस प्रकार तो अब आपको सामने से भी नजर आएगा, यदि आप इधर से फोटो खींचे तो इधर से भी नजर आएगा ढलान। और यदि इसी स्केल को हल्का सा मैं एक इस तरीके से कर दूं तो अब आपको इधर से भी नजर आएगा, जब इधर से देखें जो ये डल ऐसे टेपर कर दिया जाएगा, तो वो टेपर भाग है जिन्हें इंक्लाइड स्पेस कहते हैं। इंक्लाइड स्पेस आपको दो तरीके तरफ से भी देख सकते हैं, तीन तरह से भी, यदि इसको ऐसा खड़ा किया जाए तो सामने से दिखेगा, यदि इसको इस प्रकार लुटा दिया जाए तो दो तरफ से देखने लग जाएगा, और यदि इसको पिछला अब नहीं दिखेगा, आप ऐसे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, परंतु यदि इसको हल्का सा ऐसे कर दिया जाए तो देखने लग जाएगा, जैसे ये वाला स्पेस ये आपको सामने फ्रंट में से भी दिख रहा है, तो हम इसको छत पे से देखेंगे ना खड़ा होकर जब भी दिखा करेगा, जैसे हमारे मकान में सीढ़ियों पर स्लोप चढ़ाया जाता है लाइन पर से, तो वे उसको आप छत पे से भी देख सकते हैं उस स्लोप को, और फ्रंट में सामने से भी देख सकते हैं छटका हुआ सीढ़ी है तो दोनों तरफ से दिखती है, जबकि दीवार नहीं दिखेगी, दीवार पर आपको सामने से दिखेगी, ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे आ जाएंगे सब। तो इस प्रकार इंक्लाइंड स्पेस आपको दो जगह या तीन जगह से भी देख सकते हैं। अब आप सामने देखिए, सामने आपको एक त्रिभुज दिखेगा, त्रिभुज की चौड़ाई आपको दी गई है कितनी है 20, इसको इस जगह किसका लाइन है यहाँ पर 20, ये लाइन है जो यहाँ से आता है कितनी है बता सकते हैं कितनी 20 लाइन है, ये 15 है क्योंकि ये कुल कितनी है 30 और ये गैप कितना आ रहा है ये वाला 15 15 गैप, यदि अब ये 30 है पूरी इस पोजीशन में, यदि मैं इस गैप को हटा देता हूँ यहाँ से 15 गैप को, ये 15 ही बच जाती है, तो कुल मिलाकर ये लाइन 15 है और जो तो कुल बनेगा वो 20 लंबा बढ़ेगा, तो यहाँ तक बनेगा 5 आगे, 5 आगे चलेगी और ऊंचाई आपने यहाँ पर निकाल दी थी इसकी कितने 10 ऊंचाई थे, तो 10 ऊंचाई पे यहाँ चल के और इसको इस प्रकार आप त्रिभुज बनाया। इसके बाद आपको ये वाला हिस्सा है, हमने ये भी बना लिया, अब ये है इसकी ऊंचाई 15x15 ही है, तो इस जगह यहाँ पर 15x15 का ये बन गया। अभी और ऊपर जगह बची हुई है, कितनी बच रही है ऊंचाई 12 और ऊंचाई बच रही है, जो ये वाला डिब्बा है, ये डिब्बा क्योंकि ये इसका फोटो इसी से मैं देखेगा यहाँ से ऐसे चौड़ाई 10 है, ये कुल 15 है, जबकि चौड़ाई 10 लेके और 12 ऊंचाई इस कोने पर डिब्बा है, जो आप इस जगह लेंगे 12 ऊंचाई है यहाँ पे ऐसे, यदि गलती से 12 नाप रहे हैं हम ऐसे और 12 इससे ऊपर जा रहा है नैन से ऐसे, तो ये चित्र गलत बना चुके हैं, इस लाइन से ऊपर नहीं आना चाहिए जो हमने पूछी है, क्योंकि इनकी ऊंचाई दोनों की बराबर रखी जाती है और इससे नीचे भी नहीं रहना चाहिए, कभी 12 बनाया अपन जैसे ये लाइन यहाँ की चलिए 12 बना रहे 12 हमारा यही है यही पहुंचे बस, अब भी चित्र में गलती है, या तो हमने ऊंचाई गलत निकाल ली जिसलिए नहीं पहुंचा, या फिर ये चित्र ऊंचा ज्यादा बना दिया ये कम है, किसी किसी में चित्र में गलती है, दोनों बराबर आने चाहिए प्रॉपर चाहे फर्स्ट एंगल में पाए चाहे थर्ड एंगल में पाए। अब हम जैसे इसका टॉप बनाएंगे तो ये निश्चित है इसके ऊपर टॉप बनाया जाएगा, टॉप बनाने के लिए निश्चित होते हैं हमारा एंगल कोई सा भी हो टॉप में, जो फ्रंट की चौड़ाई होती है नीचे से लेंथ होती है जितनी भी इसकी लंबाई है वही टॉप की चौड़ाई होती है, फ्रंट की जो भी चौड़ाई है आपको कितनी
जितनी भी हो 200, 300, 400, 50 उतनी चौड़ाई आएगी इसकी, निश्चित है। चाहे एंगल कोई सा भी हो, फ्रंट ये होगा तो इसके ऊपर बढ़ेगा, इतना ही चौड़ा बढ़ेगा इसके बराबर। तो इसके बराबर चौड़ाई देंगे और यहाँ पर ये मान, इसकी चौड़ाई कितनी है 18। सामने से देखने पर 40 का डिब्बा ये है और 18 का ये, और जो साइड की चौड़ाई होती है नीचे से वह हमेशा टॉप की ऊंचाई होती है। शहर की जितनी भी चौड़ाई है, जितनी भी हो सकती है चौड़ाई, उतनी इसकी ऊंचाई होगी, निश्चित है। एंगल चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने चाहे किसी भी कोण में बने, टॉप पर ये परंतु ये निश्चित होते हैं ये चीज। तो जिसकी चौड़ाई 50 है तो ये आपको 50 ऊंचा आएगा ऐसे, 50, 58, 50। इसके अंदर बनेगा कहीं जिससे पूरी तरह इसका बराबर चौड़ा आएगा, कहीं कम कम रह गया या ऊंचा कम आया तो गलत है। अब हम इधर से चलेंगे तो गेट हमारे मकान का इस जगह है फ्रंट वॉल, जिसको हिंदी में कहा जाता है सम्मुख, सामने का हिस्सा, सामने से छत पे चढ़ना है। ऐसा नहीं साहब हमको साइड में से चढ़ेंगे छत पे, साइड से छिटनी हो परंतु गेट में सामने मकान मालिक से पूछने के लिए यही जाना है और यहाँ से एंट्री करेंगे ऊपर की तरफ। इस पे से यहाँ चढ़ेंगे, ये टॉप का हिस्सा है, छत बनेगी सब, ये कमरे का आगे के वहां तो चबूतरा है कुछ भी है, ये एरिया सब बनेगा पूरा। इसके बाद हमें जो जैसे ये स्लोप है ये भी दिखेगा क्योंकि ऊपर से दिखेगा, और फिर इसके बाद इस छत पे चढ़े छोटे वाले, ये छत है फिर ये वाले एरिया है फिर इसके बाद ये, ऐसे आप लिख सकते हैं। एग्जाम में कोई मना नहीं करेगा क्योंकि पेपर आपका 1000 रुपए देंगे लिख रहे हैं। फ्रंट बनेगा, मैं कह रहा था ना इस पर पेपर है तो दो जगह से दिखेगा, दमान बाहर है तो दो जगह से दिखा जाता देखा जाता है, और यदि और पेपर कर दिया जाए तो तीन जगह से दिख सकता है। जैसे इसको ऐसे करते हैं हल्का से, इधर से नीचा करते हैं इस तरीके से ऐसे, अब ये तीन जगह से दिखेगा, अब इधर से भी दिखने लग जाएगा क्योंकि आगे की तरफ से नीचे आ रही है। अब आप इसको डायमेंशन अनुसार जो भी डायमेंशन है इसकी कितनी है 40, 40 है, इसी के ऊपर आएगा ये भी 40 ही हमारा ये वाला है, इसके प्रॉपर यही 40 लेंगे किसी जगह, क्योंकि इसी डिब्बे की छत बना रहे हैं हम, इसकी दीवार की छत पहले बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से चढ़ेंगे तो ये डिब्बा ढूंढेंगे और इसके ऊपर बनाएंगे इसको। इसके बाद ये लाइन खींच ली अपना 40 की, क्योंकि ये लाइन दो जगह से दिख रही है, सामने से दिख रही है और छत पर से भी दिख रही है किनारा है। अब इधर से ये वाली लाइन है कितने की है 20 की, कौन से हाथ की तरफ से, लेफ्ट हाथ की तरफ से, इधर से ऐसे 20, ऐसे 20 है, ऐसे कितना घूम गया 18 ए आ गए हम यहाँ। अब यहाँ के बाद ये कितनी निकली थी 15, ऐसे 15 घुमाने की, 15 के बाद यूं कुछ चल जाए तो मिला कंबिया वाला पढ़ना पड़ेगी ऐसे, ए इधर से चलवा दो ये तरीका। यहाँ पर एक कुआं में स्लोप हो रहे तो स्लोप 10x10 का है, 10x20 का स्लोप है, इस तरह 20 लंबाई है और 10 चौड़ाई है, ये छत इसी प्रकार की है, ऐसे चल के इस तरीके से नॉर्मल है, ये स्लोप का एरिया है जो ऐसे लंबा रुक रहा है 20 और ऐसे चौड़ा है तो ये 10x20 का ये। अब हमें जो इसके ऊपर जाएंगे यहाँ क्या का ऊपर किया वाला है सही 20y कितना है 15, ये कौन से कौन है बनेगा इस वाले में, इधर नहीं आ गए इधर तो है और टंकी होंगी पर ले जाओ, तो ये 20 ऐसे और 15 ऐसे। अब की बच गई ये त्रिकोण छत बची ये वाले, इस छत पर बंद ये एक और है बीच में तो उसका एरिया कौन सा, या कुमा में कटे हो यही कटे हो जाए ये देगा ऐसे, नाप से बांटते हैं जो भी नाप दे नाप दे रखिए निकाल लेंगे, नहीं तो क्योंकि कुल चौड़ाई कितनी 58, 58 में 20 ये लेस होगी तो 38 है,
38 में से 15 इधर होगा तो 23 23 बाय 10 का ये वाला है 23 बाय 10। और इनके नीचे गेट है, ये गेट आपको छत पे से दिखेगा, ये सामने से तो दिखेगा गेट है, नहीं तो ये साइड से दिखेगा, नहीं टॉप से दिखेगा। कुल मिलाकर जैसे ये है हमारा ये हाथ, इसमें यदि यहाँ पर एक ऐसे कट लगा हुआ है इस तरीके से, यदि ऐसे कट लग रहा है तो सामने से दिखेगा, यदि मैं आपको ऐसे घुमा दू तो नहीं दिखेगा सामना। तो यहाँ पर डॉटेड आएंगे कितना ऊंचा गेट है, और छत वैसे भी नहीं दिखेगा ऊपर से, तो छत पर डॉटेड आएंगे, ये गेट के बराबर जितना यहाँ ऊंचा है उतनी यहाँ डॉटेड आएंगे, इतना ऊंचा गेट है कुल मिलाकर जितना भी है 10 ऊंचा है, और इसमें भी डॉटेड आएंगे यहाँ, यही किसी दिमाग प्रॉपर जहां भी आता है नाप से वहां से, क्योंकि इन छतों के नीचे ये है। तो आप सभी छात्र बना सकते हैं जो भी है।